सर इतने तगड़े इवेंट प्लानर, मतलब लुधियाना में लंदन, पेरिस, केदारनाथ, बद्रीनाथ और इसके अलावा वैष्णो देवी, मतलब थीम कहाँ से आता है दिमाग में? अलग अलग थीम्स है, जैसे हम फॉरेन कंट्री में जब भी घूमने के लिए जाते हैं तो हम ये सोचते हैं अपने लुधियाना वासियों के लिए अलग अलग थीम्स की चीजें लेके आए, तो वैसे ही हम अलग अलग थीम्स की चीजें यहाँ पे लेके आते हैं। जैसे हम इस बार सिंगापुर से फेस्टिनल लेके आए हैं, फिलिपियन से मर्मर्ट्स लेके आए हैं, दुबई से हम फेस्टिनल लेके आए हैं, केदारनाथ की यात्रा लेके आए हैं, पूरी दुबई थीम यहाँ पे लेके आए हैं, बुर्ज खलीफा वगैरह, अल्फा टावर वगैरह, दुर्गा माता मंदिर के सामने गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में शाम को 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। और लोगों के लिए हम यही चाहते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आए, और लुधियाना के लोग जो लोग बाहर नहीं जा सकते या पहाड़ों वगैरह में बुजुर्ग बच्चे नहीं जा सकते, वो यहाँ पे अपना टाइम निकाल के यहीं पे इसको एंजॉयमेंट कर सके, उसमें घूम सके। एज कम्पेयर टू अदर फेयर्स, मैं ये चीज यहाँ पे मेंशन करूंगी कि ये जो थीम है ना सिर्फ इसी ग्राउंड में है, मतलब कितना दिमाग, सिर्फ मेरे को तो लगता है एक ही बंदा इसके पीछे है, वो आप हो। तो मतलब हमारे को ये होता है कि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन का केंद्र हर बार की तरह नया कुछ लेके आए, और लोगों का हमारे पास जो जवान है वो दूर दूर से आता है हमारे से अकेले, हम लुधियाना को टारगेट नहीं करते, हमारे पास थ्रू आउट पंजाब से लोग आते हैं। अभी भी हमारे से शाम को 2 बजे से गैदरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, तो कोई कहते हैं हम मोगे से आए हुए हैं, फिरोजपुर से आए हुए हैं, जलंधर से आए हुए हैं, तो ऐसे अलग अलग सिटीज से लोग आते हैं, तो इसीलिए हम हर साल उनके लिए कोई नया नया से नया कुछ ना कुछ। अच्छा एक चीज है, पिछली बार वैष्णो देवी उसका भी क्रेज इतना था, वीडियोस इतनी धड़ाधड़ धड़धड़ वायरल हो रही थी, और इस बार केदारनाथ की तो रीले इतनी चली है ना कि मुझे मानसा से 2 लोग टक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं मानसा से स्पेशल यहाँ पे दर्शन के लिए। मैम यही बात है, मैम बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लोगों का तो ये कहना था सुबह स्टार्ट किया जाए, पर मैम सुबह क्लींजिंग वगैरह का टाइम होता तो करके स्टार्ट नहीं कर पाते, तो अभी आगे कल से हमने टाइमिंग चेंज करी है थोड़ी सी, 2 बजे से लेके रात को 11 बजे तक कर दिया कि जो लोग दूर से आ रहे हैं और आराम से अपना मत्था टेक के वापस जा सकें। और हम लोगों को यही कहना चाहते हैं आपका ऐसे रुझान बना रहे तो हर साल हम कुछ ना कुछ और भी नया लेके आते रहेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज मेंशन करूंगी कि अपार्ट फ्रॉम मेला इसके अलावा मतलब और कहाँ पे ये दिमाग इस्तेमाल करते हैं ये टैलेंट कहीं ना कहीं? इवेंट्स में हम सारा साल चलते रहते हैं अलग अलग सिटीज में मैम, यही सारा इसी कार्निवल इवेंट्स, एग्जीबिशंस, स्टॉल्स वगैरह, तो इसमें हम अलग अलग सिटीज में अलग जगह, जैसे इसके बाद हमारा चंडीगढ़ है, उसके बाद अम्बाला है, थ्रू आउट इंडिया हमारे इवेंट चलते हैं, गुजरात में भी सब जगह। टेल मी अबाउट योर सर्विसेज। मैम हमारे पास ऑल सर्विसेज है, पूरी सीसीटीवी कैमराज है, सिक्योरिटीज है, टॉयलेट्स की सर्विस है, पानी की पूरी सर्विस है अंदर, और मैम लोगों को यहाँ पे कई स्टॉल्स भी हैं जिसमें लोग अपने घरों की शॉपिंग्स भी कर सकते हैं, यहाँ से फर्नीचर भी परचेज कर सकते हैं, क्रॉकरीज भी ले सकते हैं, कॉस्मेटिक का सामान भी ले सकते हैं, क्लोथ शॉपिंग भी कर सकते हैं, कि आपको एक ही इवेंट के अंदर, एक ही इवेंट के अंदर आपको सब कुछ यहाँ पे झूले लेने को भी मिलेगा, एंजॉय करने को भी मिलेगा, शॉपिंग करने को भी मिलेगा, और बाकी भी सारे एंटरटेनमेंट भी, फूड के स्टॉल्स भी हैं, जैसे गुजरात के फूड के स्टॉल्स हैं, राजस्थान के स्टॉल्स हैं, अलग अलग स्टॉल्स भी आपको यहीं पर मिलेंगे। सिर्फ लुधियाने इसके लिए नहीं, पूरे पंजाब वालों के लिए क्या कहेंगे? मैम यहाँ पे पूरे पंजाब वालों के लिए ऐसी सब कुछ है ये जो हम लेके आते हैं, यात्रा वगैरह आपको पूरे पंजाब छोड़ो थ्रू आउट इंडिया में भी कहीं भी ना तो ऐसे राइड्स देखने को मिलेंगे, हमारे पास सुनामी है, स्क्रीन टावर है, बुर्ज खलीफा के साथ में दुबई सिटी है पूरी, आपको पूरे पंजाब में कहीं भी देखने को मिलेगी, सिर्फ आपको इसी इवेंट में देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।